मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा चौथी बार मुस्लिम प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए एजाजी जलसा किया गया। जिला अध्यक्ष एडवोकेट परवेश कुरैशी ने बताया कि ये शिवपुरी जिले का जलसा था, जिसमें शिवपुरी की सभी तहसीलों से होनहार बच्चों को सम्मानित कर उनको प्रोत्साहित किया गया, जिसमें जिन मुस्लिम बच्चों ने 10वीं और 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए और वहीं इसके अलावा जिन्होंने साहित्य में, मेडिकल लाइन में, शायरी सपोर्ट में अपना नाम रोशन किया, जलसा द्वारा उनका भी सम्मान किया गया। लगभग 52 बच्चों का सम्मान समारोह किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 10वीं के टॉपर और 12वीं के टॉपर बच्चों के साथ विश्व विजेता पावर लिफ्टर, 4 गोल्ड मेडलिस्ट शिवपुरी की शान मुस्कान का भी सम्मान किया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज आपको सम्मानित किया गया, क्या खुशी महसूस कर रहे हो? क्या आज मुझे मुस्लिम सोसाइटी के हिसाब से सम्मानित किया गया है, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मुस्लिम सोसाइटी में इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं हैं, और मैंने देखा कि 10th 12th के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो 80% लेकर आए हैं, और अदर फील्ड्स में भी बहुत सारे प्रतिभाएं हैं मुस्लिम समाज में, और ये लोग उनको सम्मानित करके बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं और लोगों के लिए, ताकि वो और हमारे कम्युनिटी में और अच्छा कर पाए, तो बहुत खुशी हुई। और ऐसे ही करते रहें, हमें और मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से, तो बहुत शुक्रिया। और किसके लिए इसका मैं किसको दिए धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं? आपकी सफलता के लिए किसको आप धन्यवाद क्या? मैं अपनी सफलता के लिए अपने परिवार पापा को बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। उन्हीं के सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच। क्या नाम है आपका? शफक खान। आपको कितनी क्या खुशी महसूस हो रही है आपको सम्मानित किया? तो बहुत, एक बार मैं पहले भी आ चुकी हूँ, जब पैंडेमिक से पहले एक और बार जलसा हो चुका है, मुझे पहले भी बुलाया गया था, और पहले तो बहुत खुशी हुई थी, और मुझे एक बार फिर से इनवाइट किया तो मुझे और भी खुशी हुई, और मैं इसके लिए पूरा थैंक्स अपने पापा को देना चाहूँगी और जो मेरे नाना हैं। क्या नाम है नाना का? आज जो आपके द्वारा कार्यक्रम किया गया, किस प्रकार का क्या कार्यक्रम रहा? ये हमारा मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी तरफ से चौथा जलसा है आज, एजाज था, जिसमें बच्चों की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। 2016 में भी किया गया था, 18 में भी किया गया था, 19 में भी किया गया था, और ये आज चौथा जलसा 2023 में हुआ। इसमें 10th और 12th के जो बच्चे 80% से ज़्यादा मार्क्स लेके कामयाबी जिन्होंने हासिल की है, उनका एजाज किया है। इसके अलावा दीगर मैदानों में, साहित्य में, स्पोर्ट्स में, शायरी में, मेडिकल लाइन में, टोटल कितने बच्चों को सम्मान किया? लगभग 52 बच्चों को, जो 10th 12th के बच्चे हैं, उन 52 बच्चों को सम्मान किया गया है, उनका एजाज किया गया है। इसके अलावा 32 जो मुस्लिम सलाहियतें हैं जिन्होंने दीगर हल्कों में नुमाया कामयाबी हासिल की है, उनका भी एजाज किया है। उनके एजाज करने से हमें बड़ा फख्र महसूस हुआ है, उनका एजाज तो किया ही है, लेकिन हमें भी बड़ा गौरवान्वित महसूस हुए हैं, फख्र महसूस हुआ है। कितने समय से चल रहा है आपका ये? हमारा वर्ष 2014 से MBS का कमेटी चल रही है, और 2016 से हमने ये एजाज का सिलसिला शुरू किया है, और इंशाल्लाह अगले साल इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर हम इस एजाज के जलसे को ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें शिवपुरी के बच्चे शामिल थे कि अन्य जिलों के बच्चे भी शामिल थे? इसमें शिवपुरी जिले के बच्चे, सारी तहसीलों को भी इसमें शामिल किया है हमने, सारी जो गांव से हैं शिवपुरी के जिले की तहसीलें हैं उनके बच्चों को भी शामिल किया। जहाँ सुनने में आ रहा है कि बाहर के भी बच्चे इसमें, जैसे जाकर आपने बच्चियों को सम्मानित किया, बच्चियों के लिए जो लोग यहाँ पर हमारे पास फॉर्म जमा हुए थे, उन्हीं लोगों को सम्मानित किया है। सभी लोग शिवपुरी के रहने वाले हैं, और बच्चियों को सम्मानित ज़्यादा इसलिए हैं कि बच्चियाँ ही ज़्यादा आएँ, और मैसेज हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।